खरगोन और गोगांव के दो युवक चीन में फंसे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए चार युवक युवती चीन गए थे। शियान सिटी में हुबेस प्रेविंग से दो युवक युवती खरगोन लौट चुके हैं, पर दो युवक अब भी चीन में फंसे हुए हैं। चीन में कोरोना वायरस फैलने से 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। चीन में मौजूद शुभम और मतिन के परिवारजनों के द्वारा छात्रों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की जा रही, और वहीं वहां के हालातों को देखकर उनके मन में एक भय सा बना हुआ है। परिजन केंद्र और राज्य सरकार से बच्चों को वापस लाने की व्यवस्था करने की गुहार लगा रहे हैं। खरगोन की हुमा खान और कृतिका रघुवंशी 12 जनवरी को चीन से आ चुकी है। इन्हें 10 फरवरी को वापस लौटना था, लेकिन वह कोरोना वायरस फैलने से हो रही असामयिक मौत के कारण चीन जाना कैंसिल हो गया। हुमा के पिता ने कहा कि समय रहते उनकी बेटी यहां आ चुकी है, लेकिन बेटी के साथी स्टूडेंट वहीं फंसे हैं। चीन में फंसे शुभम गुप्ता और मतीन खान के परिजन काफ़ी परेशान हैं। हालांकि बच्चों से मोबाइल के जरिए चर्चा हो पा रही है और मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को सकुशल वापस भारत लाया जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारा एक ही बेटा है शुभम गुप्ता, जो चाइना गया एमबीबीएस के लिए, को दूसरा साल चल रहा है। अभी चाइना में कोरोना में की वायरस की बीमारी फैली हुई है, वहाँ बीमारी है जिससे बच्चों को डर बना रहता है, और वहाँ चीन में ना बाहर आने देते जाने देते, खाना खाने की प्रॉब्लम हो रही, तकलीफ हो रही, किस प्रकार के पानी माने सब ज़्यादा तकलीफ हो रही है, निकलने देते निकलने हो तो सिर्फ रूम के बाहर के बाहर अंदर जाने बाहर के बाहर निकल सक नहीं निकल सकते, अंदर के अंदर ही रहना पड़ता है उनको। आपस में दूसरे से बातचीत भी करने नहीं देते, मोबाइल से व्हाट्सएप से ही बात होती है, आमने सामने किसी बात भी नहीं कर पाते हैं। बेटा को तो बोल रहा है कि पापा आप किसी प्रकार से वहाँ की इंडिया वालों से सरकार से मोदी सरकार से कमलनाथ सरकार से राजनाथ सरकार के मोहरित लगाओ कि जल्दी जल्दी इंडिया बच्चों को बुला लें। अमेरिका सरकार ने उनके जो बच्चे गए तो उनको जल्दी जल्दी बुला लें, फिर अपने इंडिया के बच्चे रह गए हैं। कितने बच्चे हैं करीब करीब वो इंडिया को मिला के 140 बच्चे बता रहे हैं। क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद और गुजारिश है कि जिस प्रकार अमेरिका सरकार ने बच्चों को बुला उसी प्रकार हमें कमलनाथ जी सरकार मोदी सरकार राजनाथ सिंधिया स्वराज सिंधिया इनसे रुकास है कि जिस प्रकार अमेरिका ने बच्चों को बुलाया उसी प्रकार हमारा दुर्भाग्य भेज के उनको भी बच्चों को जल्दी बुलाए। जनवरी को ये इंडिया में आ चुकी थी, चाइना में पढ़ती है, एमबीबीएस सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, और वो चाइना में कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसकी वजह से ये 12 तारीख को जाने वाली थी, 12 फरवरी को चाइना वापस हुआ कि स्कूल से नोटिस आया कि तुम्हारी फ़्लाइट है कैंसिल करवा लो, यहाँ पे वो कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इनके कुछ साथी इंडिया के वहाँ बच्चे भी हैं, 140 बच्चे इंडिया के उसके कॉलेज में पढ़ते हैं, हुबेई यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़ते हैं, और उनको भी दहशत बहुत है। और खरगोन के भी दो बच्चे हैं, अब्दुल मतीन खान और शुभम गुप्ता, उन लोगों के उनके परिवार में बड़ी दहशत है, और गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको इंडिया लाया जाए और उनको रेस्क्यू किया जाए। हम भारत सरकार से और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी से और विदेश मंत्रालय से और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं उनके मंत्रियों से कि जल्द से जल्द उन बच्चों को रेस्क्यू इंडिया किया जाए और जल्द से जल्द उनको यहाँ लाया जाए। सर हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 12 तारीख को इसकी फ़्लाइट 10 फरवरी को यहाँ से फ़्लाइट थी दिल्ली से चाइना के लिए, वो फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वहाँ से हमको मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल करवा लो, और हमने उससे फ़्लाइट कैंसिल करवाई जाने का था, वो उन्होंने बोला कि अगले आदेश तक जब तक हम नहीं गए जब तक यहाँ ना आए। तो आपको भी थोड़ा डर वगैरह है? डर तो बहुत ज़्यादा है सर कि अगर बाद में भी वायरस कब तक ठीक होगा, ये बच्ची वहाँ पढ़ती है, सब बच्चे रहते हैं, उन लोग डर तो रहेगा क्योंकि वायरस कब तक ठीक होता है। वहाँ के गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि अभी अगले आदेश तक बच्चों को नहीं लाया जाए। मेरा नाम फिरोज खान। जी हाँ, मैं शियान सिटी के हुबेई प्रोविंस से वहाँ पढ़ती हूँ, और हम लोग के फ्रेंड्स वहीं हैं। हम लोग 12 जनवरी को हमारा वैकेशन स्टार्ट हुआ, तो हम लोग कुछ बच्चे वहाँ से यहाँ आ गए थे वैकेशंस के लिए, एक महीने का वैकेशंस था। और कुछ वीक्स बाद देखने को मिला वहाँ पर जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, वो बहुत फास्टली फैल रहा है और बहुत जल्दी से फैल रहा है, पूरे लगभग चाइना में फैल चुका ही है। और इसको रोकने के लिए सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद कर चुके हैं वहाँ पर, और सब कुछ सील कर रखा है, और यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई है। और हम लोग रिटर्न जाने वाले थे 10 फरवरी को, तो हमें यूनिवर्सिटी से नोटिस आया है कि हमें टिकट्स कैंसिल करना पड़ेगी, और फिर हम लोग ने टिकट्स कैंसिल करवाई।
और अभी तक कुछ उसका नोटिस नहीं आया, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमें कब रिटर्न जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो बीमारी है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जो वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जो है वहाँ पर फ़िलहाल हमारी यूनिवर्सिटी में 140 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं अभी वहाँ पर, उन्हें कोशिश की जा रही है, वहाँ से भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपने देश लाया जाए वापस। जी हाँ, मेरे फ्रेंड्स कांटेक्ट में हैं, जिसमें खरगोन के दो फ्रेंड्स हैं जिसका एक नाम शुभम गुप्ता है और एक मतीन खान है, इनसे बातचीत होती रहती है। सब परेशान है, वहाँ पर पानी की दिक्कत हो रही है, खाने की दिक्कत हो रही है और अपने रूम में भी मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है उन्हें, खाने पीने की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा ही। और देखा जाए तो खाना सब मार्केट्स बंद है और हॉस्टल भी बंद कर रखा है, बाहर जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा बीमारी फैलेगी और इसलिए ना इस बीमारी को रोकने के लिए उन्हें रूम में रखा जा रहा है और बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, हम RMC एजुकेशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इंडियन गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जितने भी है वुहान शियान में उन्हें जल्द से जल्द अपने देश लाया जाए, इंडिया लाया जाए, सुरक्षित लाया, सेफली वो पहुंच जाए अपने घर, क्योंकि वहाँ उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं और वो खुद भी बहुत परेशान हैं वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ का ये देखकर। क्या नाम है आपका? हुमा खान। इस प्रकार से शुभम का वीडियो कॉल आया, आपसे बातचीत की? सर शुभम का फ़ोन आया, उससे बातचीत चल रही है, हमको यही डर लग रहा है कि महामारी उनकी फैलती जा रही है बीमारी, पहले 40 था, 40-80 संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमको भी डर है और बच्चे को भी डर है कि खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो बच्चा भी क्या करेगा, और हमको ज़्यादा चिंता सता रही है कि आप कुछ भी करो, अपील करो और कहीं से भी आप व्यवस्था करवाओ कि मम्मी हम कैसे भी करके ना इंडिया आ जाए। क्या अपील है आपकी प्रधानमंत्री से? मैं प्रधानमंत्री से ये अपील से कि जल्दी जल्दी बच्चों की व्यवस्था करवाए और उन्हें छुड़ाए। क्या नाम आपका? मनीषा गुप्ता। उसमें भी कल तक 40 लोग थे, आज जाके जो 80 हो गए हैं, लगातार दोगुना तरीके से बढ़ रहे हैं। तुम्हारे अस्पताल में भी आ रहे मरीज? तुम्हारे अस्पताल में भी आ रहे हैं ना? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।